गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे वांडा विजन के एपिसोड 4 का रिव्यू और साथ ही साथ में बात करेंगे वीडियो के एंडिंग में एक छोटे से अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, रिव्यू और अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो सबसे पहले वांडा का एपिसोड जो 4 था उसका इंट्रो इतना ज्यादा कमाल का था कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, और देन धीरे धीरे जैसे कैरेक्टर हमें इसमें दिखाए जाते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब था। और देन जब आप एपिसोड देखोगे तो आपके सारे सीन रिवाइंड हो जाएंगे कि ये कैरेक्टर किसमें था, ये कैरेक्टर किसमें था, आपका दिमाग चलने लग जाएगा। और देन धीरे धीरे जैसे ही सस्पेंस बढ़ता जाता है और जैसे ही धीरे धीरे कुछ चीज़ें आती हैं सामने, वो बहुत ही कमाल का है। तो एपिसोड 4 का छोटा सा स्पॉइलर देना चाहूँगा, जो आपने एपिसोड 1 और 2 देखा और 3 देखा था ये उसका ही मिक्सचर था, यानी कि बैक स्टोरी देखने को मिली थी। और इसमें जो थैनोस का रेफरेंस दिया गया है वो तो गाइस बहुत ही ज़्यादा कमाल का था, क्योंकि थैनोस ने जो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में खिचड़ी फैलाई है वो इसमें हमें साफ करती हुई नजर आई है। तो गाइस ओवरऑल एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। और देन अब विजन के लिए मुझे इस एपिसोड के बाद थोड़ा दुख लग रहा है, और देन आप एपिसोड जब देखोगे तो समझ जाओगे कि मुझे लग रहा है कि कुछ आगे बड़ा इमोशनल सीन आने वाला है। अब बात करते हैं अपडेट के बारे में। तो फाइनली KGF चैप्टर 2 की रिलीजिंग डेट कंफर्म हो चुकी है 16 जुलाई 2021, और इसी मंथ में मार्वल की एक और मूवी रिलीज हो रही है शैंग-ची। तो आप कौन सी ज़्यादा मूवी देखने के लिए प्रेफर करेंगे लोगों को कि ये मूवी देखो ये मूवी देखो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।